प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बेटियां, एक तरफ होंगी नुपुर तिवारी जी और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी कश्मीर से याना मीर जी, जो कि एक जबरदस्त सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगी कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जैसे आपने बताया कि आपका बचपन थोड़ा सा कश्मीर में, थोड़ा सा मुंबई में हुआ, तो कश्मीर के बचपन कैसा था? मतलब कश्मीर तब तो 370 था, तो वो कैसा था आपका बचपन? कश्मीर इज हैज ऑलवेज बीन अ डिस्टर्ब प्लेस। ओके, दिस इज द ओनली फेज ऑफ कश्मीर दैट आई नो ऑफ विच इज नॉट डिस्टर्ब्ड आफ्टर, लाइक इवन आफ्टर 2019, 2 साल तक तो डिस्टर्बेंस चला, बिकॉज फर्स्ट द पीपल वर इनसिक्योर, देन द पीपल, देन कोविड पैंडेमिक हिट द कंट्री इंक्लूडिंग कश्मीर, सो ऑल दैट डिस्टर्बेंस वॉज देयर अप अंटिल 2021 आई वुड से, एंड देन 2021 के बाद इज द ओनली टाइम दैट आई हैव एक्चुअली सीन पीस इन कश्मीर। So you can imagine like peace as in there is no afratafri, there is no hartal, there is no college, schools and colleges shutting down because of hartal, there is no stone pelting, nobody does these kind of things anymore, it's looked down upon in fact. So like when we were younger it was something like heroes, something which heroes do, pick up the stone and go pelt it at the security forces, that is a heroic thing to do. Now तो it's looked आपने, down आपने upon, देखा now it's होगा like ऐसे? मतलब मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने बोला कि हीरोइक Obviously, एक्ट I was sheltered. आपने, मतलब आप जब चलते हुए Yes, थे I या किसी ने was. आप ऐसे आर्मी के ऊपर स्टोन पेल्टिंग करते हुए आपने खुद देखा है? I would say मुझे याद, हाँ देखा तो है, वैसे अफरा तफरी बहुत देखी है, बट दैट एग्जैक्ट थिंग कि जिस किसी को स्टोन लग रहा है वो तो नहीं देख, अफरा तफरी देखी है जहाँ लोग भीड़ में जमा होकर ये ना नारे लगा रहे हैं, ये वो सब तो बहुत देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। एंड देन यू नो कर्फ्यू का टाइम है, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलने नहीं दिया जाता, यू नो लाइक एवरी वन स्केयर्ड, नहीं नहीं बाहर मत जाना, कर्फ्यू लगा है, वो वाला, वो एक फियरफुल लाइफ थी वहां पर। आई कुड फील इट, आई वॉज ऑलवेज शेल्टर्ड ऑफ कोर्स, बट उस शेल्टरिंग में भी मैंने वो फियर देखा है अपने बड़ों में, इट वॉज वेरी, एंड यू नो लाइक ग्रोइंग अप एंड वेन वी वर इन कॉलेज एंड ऑल, आई वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ द वैली बाई देन। आई विल टेल यू कि बहुत सारे मुस्लिम्स भी वैली से निकल गए जब वो एक्सोडस हुआ था पंडित्स का, बहुत सारे मुस्लिम्स भी निकले हैं बिकॉज उनको लगा था कि कश्मीर में कभी हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं रह सकता, डर डर के कब तक रहेगा ना इंसान। सो बहुत सारे मुस्लिम्स एंड मे बी वी वर वन ऑफ दोज फैमिलीज जो निकले, एंड मुझे पता है कि निकलना वहां से इज हैज हैपेंड, एंड देन इट इज सो आयरोनिकल कि फिर फिर महाराष्ट्र में, फिर कॉलेज में, देन आई मेट कश्मीरी हिंदूज जो वहां से निकले थे, एंड देन यू नो दे यूज टू से स्टोरीज कि हमारे दादा के साथ ऐसे हुआ था, हमारे पापा के साथ ऐसे हुआ था, कश्मीरी मुस्लिम्स ने हमारे साथ ऐसे किया, ये सब हमने सुना। कई जगहों पे हमें बोलने से डर लगता था कि वी आर कश्मीरी मुस्लिम, बिकॉज वी डिड नॉट वॉन्ट पीपल टू जज अस, तो बहुत ऐसी चीजें हमने फेस की वहां से निकलने के बाद भी। तो थिंग्स आर या नॉट ना इजी फॉर कश्मीरी आज, मुस्लिम्स, हाँ क्योंकि जी, या ना आज जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 को लेके इतना बड़ा फैसला सुना दिया, तो बहुत सारे लोग, मैं देख सकती हूँ, बहुत खुश नहीं है इस फैसले के साथ। आप इसको किस तरह से लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अब लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना था वो 4 साल पहले हो गया, 370 तो 4 साल पहले हट गया था ना, एब्रोगेशन हो गया था, ये सिर्फ कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने सबूतों को देखकर तय किया कि वो हटना ठीक था कि नहीं था, तो ये कोर्ट और उन पेटिशनर्स के बीच में था जो लोग इसके हटने से खुश नहीं थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ 23 शायद पेटिशनर थे मुझे जितना पता है, 23 पेटिशनर्स में से कई सारों ने बीच में अपनी पेटिशन्स हटा दी, क्योंकि पेटिशन्स अच्छा। इन्होंने तब डाली थी 4 साल पहले, लेकिन जब 2 साल के बाद दे सॉ कि थिंग्स आर एक्चुअली इंप्रूविंग, सिक्योरिटी सिचुएशन इज इंप्रूविंग, टूरिज्म इज इंप्रूविंग, द प्रोजेक्ट्स व्हिच हैड बीन प्रॉमिस्ड वो कोविड की वजह से इंपैक्ट हो गए थे, लेकिन दे आर स्टार्टिंग, दे आर बिगिनिंग टू स्टार्ट, थोड़े थोड़े ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होता गया, बहुत सारी चीजें चेंज होती गई, आई विल टेल यू अबाउट देम इन द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू।
तो जब उन्होंने ये सब देखा कि वुमेन आर कमिंग फॉरवर्ड, वुमेन हैव अ न्यू फाउंड फ्रीडम, नाउ दे हैव अ राइट टू इनहेरिटेंस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू मेन, दे आर इवन डूइंग एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस, बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड, इतना सब कुछ देखने के बाद उनमें से कुछ ऐसे पेटिशनर्स हैं जिनको शर्म आ गई कि हमने पेटिशन दिया ही क्यों, फिर उन्होंने तो पेटिशन ही विड्रॉ कर दिया. ये पहला साइन है कि जो हुआ वो ठीक हुआ. फिर सुप्रीम कोर्ट इज नेवर अ बायस्ड एंटिटी, इट्स नॉट अ बायस्ड इंस्टीट्यूशन एज यू नो. तो उन्होंने हर एक चीज को मद्देनजर रख के दे फर्स्ट सॉ कि जिस तरीके से हटाया गया, क्या वो अवैध है या क्या वो ठीक है. फिर देन दे नोटिस्ड कि हटाने के बाद कुछ मैलाफाइड तो नहीं हुआ, लोगों के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ आवाम के साथ, वो भी उन्होंने देखा. तो हर एक चीज को उन्होंने माप तोल के देखा. देन दे केम आउट विद द वर्डिक्ट कि ठीक हुआ, जो हटाया वो ठीक किया. तो लेकिन अब लेकिन जाहिर सी बात है कि आपने भी देखा होगा कुछ पॉलिटिशियंस, जम्मू कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस इसको बहुत ही इसके अगेंस्ट में बोल रहा है कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रहा है 370 को उठा के, और इवन मेनलैंड के कुछ पॉलिटिशियन भी इसको ठीक से नहीं ले रहे हैं. तो आपको आपको मतलब क्यों क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है कश्मीर में, तो ये लोग अगेंस्ट में क्यों बोल रहे हैं? पहली बात मैं आपको बोल दूं कि जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेल यू, दे डोंट रिप्रेजेंट अस. बिकॉज जब ये लोग इलेक्शन में खड़े होते थे, कितने लोग आते थे वोट करने के लिए? हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट कितने लोग आ, जब महबूबा मुफ्ती इलेक्शन में खड़ी होती थी कंटेस्ट करने के लिए, कितने लोग आते थे बाहर वोट करने के लिए? 3 या 4% लोग. सेम टू सेम अब्दुल्ला, जब ये डिफॉल्ट से बन रहे हैं, एवरी इलेक्शन पासिंग इलेक्शन ईयर में ये डिफॉल्ट से बन जाते हैं. वी आर नॉट वोटिंग देम, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अस, दे आर क्लेमिंग दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग. हाँ, एक जमाना था जब हमारी कम्युनिटी को उनपे भरोसा था, लेकिन दे कुड डू एनीथिंग, दे कुड डू एनीथिंग टू सेव द कश्मीरी पंडित, दे कुड डू एनीथिंग टू सेव द रेपुटेशन ऑफ द कश्मीरी मुस्लिम्स, दे कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर अवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, टू बूस्ट इंडस्ट्रीज और टूरिज्म और एनीथिंग इन आवर स्टेट, दे कुड नॉट डू, देवर फेलियर्स. तो उसकी वजह से लोगों का उन पर से भरोसा हट गया. अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था अब किस तरफ जाएं. यू नो दैट वाज द अफरा तफरी बहुत सालों से थी, नो डाउट अबाउट इट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो वो बोल रहे हैं, जो वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है. यू सी 370 के होने से आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, होने या ना होने से आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सियासतदानों को फर्क पड़ता है. बिकॉज 370 की आड़ में वो करप्शन करते थे, इजीली करते थे, क्योंकि उनको ट्रांसपेरेंसी दिखाने की जरूरत नहीं होती थी फंड्स को लेके. तो इसलिए दे वांट द 370 बैक, क्योंकि उनकी रेलेवेंस उसकी वजह से खत्म हो गई है, उसकी एब्रोगेशन से. जी अच्छा, तो इसमें जो पाकिस्तान का प्रभाव था कश्मीर के ऊपर, जो हम सबको पता है कितना था, तो आप कितना मतलब कश्मीर के यूथ जो है वो समझ रहे हैं कि उन्होंने उसके ब्रेन वॉश किए या जो भी उन्होंने किया, स्टोन पेल्टिंग, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया मैं बोलूंगी, क्या वो लोग समझ रहे हैं कि दे मेड ए मिस्टेक, दिस इज वन, एंड सेकेंडली अभी पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस पीपल के माइंड में कितना सी है कश्मीर में? आई टेल यू समथिंग नुपुर, कल्चरली मे बी पाकिस्तान को लेके एक बॉन्डिंग है कश्मीरीज की. नाउ आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट वी आर हैविंग अ वेरी लाइक कैंडिड कैजुअल 1-to-1 कॉन्वर्जेशन. तो मैं आपको पूछूंगी, आप बंगाली हो, क्या आपकी मदर या कोई भी बांग्लादेशी फिल्में या बांग्लादेशी सीरियल या बांग्लादेशी म्यूजिक सुनती है, देखती है? मैं तो यस नहीं और नो? देखती हूँ. नहीं, आप नहीं देखते, आप तो जापनीज देखते होंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर. तो हाँ आप बोलो. हाँ उसी तरह से क्या है कि कश्मीरीज आर बॉन्डेड विद पाकिस्तान इन द टर्म्स ऑफ कल्चर. यू कैन से एक हम मजहब है, यू नो दे आर ऑल्सो मेजोरिटी मुस्लिम्स, कश्मीर इज ऑल्सो मेजोरिटी मुस्लिम एरिया एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाँ रोकना चाहूंगी, क्या देश से ज्यादा मजहब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, कश्मीरीज आर वेरी नेशनलिस्ट, लेट मी टेल यू, वेरी नेशनलिस्ट. वो कुछ हैंडफुल ऑफ लोग थे जो बहक गए सैयद अली शाह जैसे लोगों के, सैयद अली शाह गिलानी जैसे लोगों के बातों में आकर बहक गए, JKLF की बातों में आके बहक गए. लेकिन जब इन्होंने देखा कि वहां से सिर्फ टेररिज्म आ रहा है, वहां से कोई कश्मीरियों के लिए भलाई नहीं आ रही, जब इन्होंने देखा, एंड मैं आपको बता दूं कितने सारे मिलिटेंट्स हैं जो कश्मीर से गए वहां ट्रेनिंग करने के लिए,
वहां उनको ऐसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे नुपुर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। सडनली उनके अंदर कुछ ये हो गया, नहीं यार देश से गद्दारी हम नहीं कर पा रहे। अच्छा आपको पता है कितने कश्मीरी नौजवान आर्मी ज्वाइन करके उन्होंने देश के लिए जान दे दी, उनको टारगेट किया गया, उनको मारा गया क्योंकि वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। और ऐसे भी आपने देखा होगा राइफलमैन औरंगजेब के पेरेंट्स का देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमारा एक बेटा शहीद हुआ तो क्या, हमारे दो और बेटे हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे, और बड़े प्राउडली वो उनको आर्मी ज्वाइन करा। ठीक है ना, कश्मीरियों को मुखबिर बोल के मारा गया जस्ट बिकॉज बहुत सारे कश्मीरियों ने ये सोचा वहां पे मिलिटेंट छुपा है, मैं फोन करके आर्मी को बताऊंगा। ठीक है ना, तो वो अगर बेचारा कश्मीरी, अगर मैं बताऊं ना, अगर वो मिलिटेंट ना भी है, अगर वो इंडियन आर्मी की गोली से नहीं मरा या पुलिस की गोली से नहीं मरा, तो वो मिलिटेंट की गोली से जरूर मरा है जस्ट बिकॉज उसको मुखबिर टैग किया गया, क्योंकि उसने मुखबिरी की, उसने इंडियन आर्मी को बताया। मैं आपको बताऊं अगर कश्मीरी नेशनलिस्ट नहीं होते तो आज कश्मीर सीरिया, कश्मीर को सीरिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। आफ्टर ऑल इंडियन आर्मी ने जो भी वहां पे सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं, मिलिटेंट्स को पकड़ा है, मारा है, वो वहां के लोकल्स की हेल्प से ही किया है, ये चीज आपको समझनी होगी। तो हमारे लिए डेफिनेटली कश्मीरियों के लिए देश सबसे बड़ा है, चाहे हम वो ओपनली बोले या माने या नहीं, लेकिन वो सबसे बड़ा है। द प्रूफ इज कितने सारे मिलिटेंट्स आके सरेंडर हो गए, खुद से पकड़े भी नहीं गए, खुद से सरेंडर हो गए, आज वो तिरंगा उठाते फिर रहे। मैंने कई ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी किया, तो उनसे नहीं हो पाया, उनको ट्रेनिंग मिली, पैसे मिले, सब मिले वहां पे, बट उन्होंने कहा नहीं नहीं हो पाया, वो आके सरेंडर हो गए, इकवान बन गए, आर्मी को हेल्प करने लगे। तो ये सारी चीजें हुई है हमारे पास में, और तो कश्मीरी मुस्लिम्स आप को बोल इन गुड रहे लाइट हैं कि दिखाना यूथ जरूरी है। यूथ अभी समझ गया है कि उसका देश अभी क्या तो है। अच्छी तरह से, क्योंकि क्योंकि इन्हीं के बच्चे, ये जो मैं कह रही हूँ, ये उस जनरेशन के लोग थे 80s के 90s, अब उनके जो बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली थे प्रो इंडियंस, क्योंकि ज्यादातर इन्होंने अपने बच्चों को स्टेट से बाहर भेजा पढ़ने के लिए। जब वो स्टेट से बाहर गए, दूसरे स्टेट्स में गए, इंडिया के स्टेट्स में, वहां पे देखा कि यार यहाँ तो लोग राजी खुशी जी रहे, इज्जत से जी रहे, ना कोई किसी मुस्लिम पे उंगली उठा रहा है, ना कोई हिंदू मुस्लिम आपस में जी रहे हैं, ये सारी सिर्फ पोलिटिकल चीजें हैं जो बोली जाती हैं। जब उन्होंने देखा कि किसी को ना नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, ना रोजे रखने से रोका जा रहा है, और सब इतना प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, तो व्हेन दे सॉ ऑल दीस थिंग्स, देन दे सॉ कि यार हम इस कंट्री के हैं, इस खूबसूरत कंट्री के, जिसमें इतना हिस्ट्री है, जिसमें जो इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि आज मतलब पूरी दुनिया भर के लोग जो लीडर्स हैं वो मोदी जी के साथ चांद में फोटो जा रहा खिंचाने के है, लिए, चांद में मोदी जा जी के रहा साथ है। फोटो के लिए वो इतने उतावले होते हैं कि मोदी जी के साथ एक फोटो हो जाए, हम उस कंट्री के हैं जो चांद पे जा रहा है। एग्जैक्टली, तो जब वो देखते हैं कि हम कितना भड़काए और बरगलाने की कोशिश की गई, तो ऑब्वियसली, और फिर यही बच्चे वापस जाते हैं स्टेट में, जैसे मेरे जैसे लोग, और वहां जाके लोगों को बोलने बताने की कोशिश करते हैं चेंज, तो ऐसे करके नाउ थिंग्स आर चेंज्ड। अब हर कोई वहां तिरंगा उठाता है, जहां एक जमाने में पाकिस्तान का फ्लैग लगाया जाता था लाल चौक में, आज हर कोई वहां पे तिरंगा उठा रहा है। सो इट्स ऑल चेंज नाउ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और याना मीर जी का ये धमाकेदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे याना मीर ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि कैसे पाकिस्तान ने कश्मीरियों के दिमाग और दिल में भारत के खिलाफ जहर घोला वो भी आपको अच्छे से बताया, और कैसे कश्मीरी लीडर्स ने वहां के आवाम का जो है वो मिस यूज किया और उनको मिस इन्फॉर्म किया, तो जिसकी वजह से पूरे कश्मीर के हालात खराब हुए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।